गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को केवल दो चीजों के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। वो है आइसोमेरिज्म, मतलब क्या है वो भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म मतलब किस प्रकार लागू होता है बोल के। ठीक है, द वर्ड आइसो मीन्स सेम, आइसो का अर्थ हो गया सेम, मेरिज्म का अर्थ हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, मेरिज्म का हो गया अरेंजमेंट, आइसोमेरिज्म मतलब सिमिलर अरेंजमेंट, मतलब मोलिकुलर फार्मूला जो है वो सेम टू सेम है, मोलिकुलर फार्मूला जो है सेम टू सेम है। जैसे दो आदमी को देखते हैं, मतलब उनका दो पैर रहता है, दो हाथ रहता है, दो आंख रहता है, ठीक नहीं, उस प्रकार देखते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो है वो हर एक आदमी का अलग अलग होगा, हर एक आदमी का अलग अलग होगा। कोई नाटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, ठीक नहीं। लेकिन आइसो मतलब बनावट जो है सबका एक जैसा है, मतलब मोलिकुलर फार्मूला जिसका समान रहता, दोनों का बराबर रहता, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है, उस प्रकार के कॉम्पाउंड्स को कहते हैं हम लोग कॉम्पाउंड्स हैविंग आइसोमेरिज्म, कॉम्पाउंड्स हैविंग आइसोमेरिज्म। विशेषकर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। हम लोग को पहले से पता है कॉम्पाउंड मतलब मेटल और लाइगेंड, इन दोनों का मिलावट को हम लोग कहते हैं कॉम्पाउंड करके। इसमें मैं बोल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है, लाइगेंड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को मेटल के लिए देता है, जिसके चलते वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं, मतलब सेम मोलिकुलर फार्मूला है, उसका केमिकल फार्मूला जो है सेम है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसे हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म जो है दो टाइप के हैं, आइसोमेरिज्म जो है दो टाइप के हैं। एक तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा देखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। शब्दों में आंसर दे चुका है, शब्दों में आंसर दे चुका है। देखिए स्टीरियो मतलब क्या है, स्टीरियो जैसे हम लोग स्टीयरिंग लगाते हैं कि नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह लगाते हैं, मतलब गियर को बदलना और गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं। उस प्रकार कितनी दूरी में किस परिस्थिति में, कितनी दूरी में, कितनी लंबाई में, ठीक है, कितनी चौड़ाई में एक एक बॉन्ड को, एक एक लाइगेंड दूसरा मेटल के साथ कितनी दूर में अरेंज किया गया, उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब जो भी स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन दो या तीन प्रकार के स्ट्रक्चर दिखा देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म, ये एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है, ये तो आप लोगों को पता हो गया। इन विच टू सब्सटेंसेस हैव सेम कंपोजिशन, मतलब क्या है, अगर एक मेटल है मेरे पास, मतलब मेटल के साथ दो गो लाइगेंड जुड़ा हुआ है, वो लाइगेंड शायद क्लोरीन का हो या अमोनिया का हो, किसी भी प्रकार का दो लाइगेंड जुड़ा हुआ है, सेम लाइगेंड, ठीक है, लेकिन उनका पोजीशन जो है अदला बदला हुआ है। उसको मैं एग्जांपल के रूप में आप लोगों को तुरंत बताऊंगा, थोड़ा सुन लीजिएगा पहले। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, मैं क्या बोला था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब ये एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है, इसमें दो सब्सटेंस रहता है, वो दोनों सब्सटेंस का कंपोजिशन जो है सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस, मतलब एक तो ऊपर अरेंज किया रहेगा, एक तो नीचे अरेंज किया रहेगा, और कोई इस साइड में रहेगा और एक तो दूसरा साइड में रहेगा, उस प्रकार अरेंज किया हुआ रहेगा। इसको हम लोग क्या करें, स्टीरियो मतलब मैं क्या बोला, स्पेस, जगह लेना, है ना। स्टीयरिंग हम लोग क्यों घुमाते हैं गाड़ी का, स्टीयरिंग को जगह जितना मिलता है उसी के अंतर्गत गाड़ी को चलाने के चलते हम लोग स्टीयरिंग को घुमाते हैं, उस प्रकार यहाँ पर स्टीरियो मतलब क्या है, स्पेस, जितना स्पेस है उसी स्पेस में अरेंज करने का तरीका जो रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये अरेंजमेंट किसके बारे में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, या ये गाड़ी चलाने का परिस्थिति क्या के लिए बोल रहे हैं, लाइगेंड में, लाइगेंड के चलते, लाइगेंड किस परिस्थिति में कितनी दूरी में अरेंज किया गया उसको हम लोग विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। दिस कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, ये दो प्रकार के बांटा गया है, दो प्रकार में, वो क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियो मतलब धरती, आप लोगों को पता है, जियोग्राफी आप लोग पढ़े होंगे, मतलब
किस प्रकार धरती का बनावट है, उस प्रकार यहाँ पर देखते हैं, मतलब जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट किस परिस्थिति में किस प्रकार अरेंज किया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मतलब क्या है, ऑप्टिकल मतलब इतना ही है, जब कभी लाइट को उस मॉलिक्यूल के ऊपर लगाते हैं तो मॉलिक्यूल उस लाइट को अपने राइट साइड घुमाता है या लेफ्ट साइड घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज इस प्रकार गाड़ी गाड़ी के समान इस प्रकार घुमाता है या उल्टा घुमाता है, उसके आधार पर आइसोमेरिज्म को दो प्रकार बांटा गया है, एक तो था जियोमेट्रिकल और एक तो था ऑप्टिकल करके। और ये दूसरा चीज क्या है, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर मेरा स्ट्रक्चर जो है उसमें भी, जैसे हम बोल रहे थे आदमी का स्ट्रक्चर जो है दो पैर दो हाथ सबका ही वही रहा था, लेकिन उनमें से भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाटा है, मोटा है ना, काला है, गोरा है, इस प्रकार बोलते हैं, उसमें क्या परिवर्तन है, वो स्ट्रक्चर जिस प्रकार हमें दिखाई देता है उसके आधार पर हम लोग बदलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, मतलब ये चार प्रकार होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक है लिंकेज, लिंकेज मतलब क्या है, जिस प्रकार उसका बॉन्ड बना हुआ है लिंकेज है। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन मतलब आप लोगों को पता है पहले से, लाइगेंड से मेटल के लिए दो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है बॉन्ड बनाने के लिए, उस परिस्थिति को कंसिडर करते हुए, मतलब यूनिडेंडेंट या डाइडेंडेंट या पॉलीडेंडेंट, एक्साडेंडेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, ईडीटीए का एक उदाहरण लेते हुए, उस प्रकार की चीजों को हम लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म करके। और तीसरा जो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन मतलब क्या है, लाइगेंड जो है नेगेटिव चार्ज का, मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज का, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और फोर्थ जो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट मतलब क्या है, ज्यादा पानी डाला गया है, मतलब मेटल के साथ ज्यादा पानी का प्रभाव है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहां पर केवल आपको पूछा जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, केवल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है पूछेगा, वो दो मार्क क्वेश्चन के लिए आएगा। अगर उसको विस्तार रूप में लिखने बोलेगा तो आपको केवल इतना पूछेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है। पहला मैं बता रहा हूं, देखिएगा, आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, सेम केमिकल फार्मूला, नहीं तो सेम मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला जो है सेम टू सेम रहता है, लेकिन उसको अरेंज करने का परिस्थिति जो है, आटम सबको अरेंज करते हैं ना, उसमें देखते हैं तो कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स। और उस प्रकार का अरेंज करने का तरीका को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म जो है दो प्रकार के मैं बोला हूं, वो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करके। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी विशेषकर प्लस टू में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कितनी दूरी में किस प्रकार किस धातु को अरेंज किया गया है। मैं बोला था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट एकदम सेम टू सेम रहते हैं, मतलब मान के चलेगा एक तो कार्बन है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं उससे आपको क्लियरली पता चलेगा, इसलिए एक बार देखिएगा। तो यहां पर देखिएगा, ये हो गया हम लोग का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में मैं बोला था कभी भी जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम लोग देखते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स केवल लेते हैं। हेटेरोलेप्टिक मतलब क्या है, एक से अधिक प्रकार के लाइगेंड होना है। होमोलेप्टिक मतलब केवल एक प्रकार का लाइगेंड रहेगा। उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं, देखिएगा, कार्बन यहां पर लिखा सोचिए, उसके साथ चार गो हाइड्रोजन लगा दिया। यहां पर लाइगेंड क्या है, कार्बन। यहां पर लाइगेंड क्या है, हाइड्रोजन मान के चलिए हाइड्रोजन। यहां पर चारों एक ही प्रकार का लाइगेंड हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनी या होमोलेप्टिक करके। लेकिन यहां पर देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए पहला रूल क्या है, वो हेटेरोलेप्टिक होना चाहिए। हेटेरोलेप्टिक मतलब क्या है, एक से अधिक लाइगेंड होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ का जो मेरे पास एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को मैं हटा के क्या कर दिया, उसके जगह में मैंने लगाया साइनाइड लगाया। तो ये हो गया हेटेरोलेप्टिक, मतलब दो प्रकार के लाइगेंड है। वास्तव में हाइड्रोजन को लाइगेंड नहीं कहा जाएगा, हाइड्रोजन को
लाइगन नहीं कहा जाएगा, उदाहरण के लिए मैं बता रहा था, ठीक है। सही उदाहरण आपको देना है, मतलब मैं इस प्रकार देता हूं, एक बार देखिएगा। सही उदाहरण के लिए जैसे मान के चलिए मैं एक तो मेटल को लिया, पहले हमको मेटल चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको क्या लिखना है, एक मेटल को लेना है, ठीक है। तो यहां पर मैं मेटल को लिया, ठीक है, मेटल को लिया, मेटल को मैं एम करके लिखा हूं। ये मेटल के साथ मैं क्या बोला हूं, चार प्रकार का लाइगेंड को मैं लगा सकता हूं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के, चारों अलग अलग हो सकता है, चारों अलग अलग हो सकता है। लेकिन मान के चलिएगा मैं पानी का लेता हूं, पानी एक तो न्यूट्रल लाइगेंड बोल के हम लोग पढ़ चुके हैं, पानी जो है न्यूट्रल लाइगेंड बोल के हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर पानी को हम लोग लिए, मतलब देखिएगा, अगर चारों पानी रहा, चारों के चारों पानी रहा तो वो क्या नहीं दिखाएगा हम लोग को, चारों के चारों पानी रहा तो कभी हम लोग को क्या नहीं दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्यों? यहाँ का क्या है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना चाहते हैं तो वो कहां पर केवल होगा, हेटेरोलेप्टिक में केवल होगा। मतलब क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के लाइगेंड मेटल के साथ जुड़े रहना चाहिए, दो या दो से अधिक प्रकार के लाइगेंड मेटल के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोलेप्टिक, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोलेप्टिक। तो यहां पर मुझे हेटेरोलेप्टिक बनाने के लिए मुझे क्या करना है, यहां का एक पानी मॉलिक्यूल हटा रहा हूं, सोचिएगा, और ये कोना का भी एक तो पानी मॉलिक्यूल का हटा रहा हूं, ठीक है, पानी मॉलिक्यूल का मैं हटा रहा हूं। तो पानी मॉलिक्यूल को हटा के मैंने क्या लगाया, मैं लगाया हूं अमोनिया लगाया हूं, सोचिएगा क्या लगा दिया मैंने, अमोनिया लगा दिया। अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3, तो NH3 को मैं प्रयोग किया, ये भी एक न्यूट्रल लाइगेंड है, इसका भी चार्ज नहीं रहता, आप लोगों को खुद पता है, इसका भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं रहता, न्यूट्रल है ये। ये दोनों को लगा दिया, देखिए एक मेटल है जिसके साथ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, दो प्रकार के लाइगेंड है, ठीक है, ये दो प्रकार का लाइगेंड रहेगा तब जाके वो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट दिखाएगा बोल के हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 4 और 6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 रहने वाला और 6 रहने वाला दोनों में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर लिए हैं 4 रहने वाला को, 4 रहने वाला को हम लोग लिए हैं, और यहाँ पर देखिएगा यूनिडेंडेंट लाइगेंड को केवल लिया जा रहा है, यूनिडेंडेंट लाइगेंड को केवल ज्यादातर लिया जा रहा है। इसमें आपको पूछा जाएगा किस प्रकार के आइसोमेरिज्म है भाई। देखिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक तो लिखा हूं मेटल के साथ, ई कोना में एक तो पानी, ई कोना में एक तो पानी, और ये दोनों कोना में नाइट्रो अमोनिया का लिखा हूं। उसी चीज को अगर मेटल में इस प्रकार लिखा यहाँ पर ई कोना में, और इधर मैं NH3 लिख दिया, सोचिए NH3 ई कोना में लिखा हूं, और दूसरा NH3 ई कोना में लिखा, उसी के जस्ट नीचे लिखा हूं NH3 दूसरा, और ई कोना में मैं लिखा पानी H2O, ठीक है, और ऊपर और एक तो पानी लिख दिया, सोचिए ऊपर और एक तो पानी लिख दिया। ये दोनों मॉलिक्यूल को देख आप लोगों को देते हुए वो लोग एक सवाल पूछता है, इन दोनों में से सिस आइसोमेरिज्म किसका है, ट्रांस आइसोमेरिज्म किसका है, इसका ट्रिस सिस और ट्रांस बताइएगा बोलेगा, सिस या ट्रांस बताने को आपको बोलेगा। सिंपल रूप में मैं बता रहा हूं, एक बार याद रखिएगा, सिंपल रूप में मैं बता रहा हूं, ये आप लोग एक बार याद रखिएगा। ये पीरियोडिक टेबल को पढ़ाते समय मैं आप लोगों को बोल रहा था, पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक से लेके जैसे हम लोग डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की ओर जाते हैं ना, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की ओर जाते हैं, उस समय मैं बोल रहा था जैसे एस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ता है बोल के बताया। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है उसका नंबर 1 देना पड़ता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका नंबर 1 देना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिएगा यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल है, हमारे पास H2O है और NH3 है, NH3 है। पहले हमको क्या करना है, पहला काम हमको करना है वो है जो भी मेटल हमको दिया गया है उस मेटल को दो भागों में बांट लेना है। मान के चलिए मैं इस मेटल को इस प्रकार काट लिया हूं, दो भागों में बांट लिया, जिस प्रकार मैं बांटा हूं उसी प्रकार दूसरा मेटल को भी बांटना है, बांट दिया हूं, सोचिए। अभी बांटने के बाद मुझे क्या करना है, ऊपर वाला भाग के लिए भी नंबर देना है मुझे, नीचे वाला भाग को भी मुझे नंबर देना है, ठीक है। नंबर मैं दे सकता हूं केवल 1 और 2 करके, 1 और 2 करके, क्यों, ऊपर वाला में केवल NH3 एक तो है, H2O एक तो है, मतलब दो ही तो है, नीचे वाला भी देखेंगे तो H2O एक तो है, NH3 एक तो है, केवल 2 मॉलिक्यूल है, ऊपर देखेंगे भी 2, नीचे देखेंगे भी 2, इसलिए मैं केवल नंबर 2 तक केवल दे सकता हूं,
ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अभी मैं फिर एक बार पीरियड टेबल का आप लोगों को दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन जो है ई कोना में है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक के ई कोना में ऊपर में है, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत कम है, जिससे कंपेयर करने से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ई कोना में है, नाइट्रोजन से कंपेयर करने से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम है, जिसके चलते किसको ज्यादा नंबर दिया पड़ेगा, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को ज्यादा नंबर देना पड़ेगा, इसलिए नाइट्रोजन का नंबर जो है पहला हो जाएगा, सबसे सामने आ जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का नंबर पहला हुआ तो ऑक्सीजन का नंबर यहां पर कितना हो गया, दूसरा हो गया। इतना आप लोगों को क्लियर है ना। उसी प्रकार देखिएगा यहां पर पानी और नाइट्रोजन वही तो है यहां पर भी, तो इधर भी देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है बाद में आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए बाद में आएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम जो है वो पहले आएगा। देखिए जब कभी भी दोनों नंबर जो है जैसे हम लोग डिवाइड किए हैं ना, ऊपर नीचे करके डिवाइड किए हैं, अगर ऊपर की ओर एक एक रहा तो उसे हम लोग कहते हैं सिस, या ऊपर की नीचे की ओर एक एक रहा तो उसे कहते हैं सिस। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे तुमने उसको बांटा है, मेटल से बांटा था आधा आधा करके, ऊपर या नीचे की ओर, ऊपर या नीचे की ओर देखते समय दोनों एक प्रकार के मेटल रहा, या दोनों एक नंबर के मेटल रहा, या दोनों दो नंबर के मेटल रहा, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस। जस्ट अपोजिट में रहा तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस। उदाहरण के लिए यहां पर देखिएगा, ये वन है, ये टू है, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ का जो आइसोमेरिज्म, क्या आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ट्रांस कहते हैं, ट्रांस मतलब अपोजिट, ट्रांस का अर्थ हो गया अपोजिट। ठीक है, यहाँ का देखिएगा, यहाँ पर देखिए पानी जो है दूसरा नंबर में आएगा, हम लोग अभी भी देखे हैं पीरियोडिक टेबल को लेते हुए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा पहला वाला में, ठीक है नहीं, और इधर का भी देखेंगे दो, और ये आएगा पहला में। अब इस मॉलिक्यूल को देखिएगा, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस प्रकार काटा देखिएगा, था दोनों एक साइड में हो जा रहा है, और एक एक दोनों एक साइड में हो जा रहा है, दोनों एक तरफ हो रहा है, उसी प्रकार एक एक दोनों एक साइड हो जा रहा है। इस प्रकार नंबर जो हम लोग दिए हैं उसमें से जो नंबर हम लोग एक एक दिए हैं, मतलब एक 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 तरफ हुआ और दो दो एक तरफ हुआ, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस, उसे हम लोग कहते हैं सिस। उदाहरण के लिए अभी हम लोग इसको सीख गए, तो मैं किताब में जो उदाहरण दिया है उसको मैं ले रहा हूं, देखिएगा किताब में यहां पर देखिए PtCl2NH3 प्लैटिनम डाई अमोनिया डाई क्लोरो प्लैटिनम नाम दिया गया है हम लोग को, डाई अमोनिया डाई क्लोरो प्लैटिनम करके हम लोग को मेटल दिया गया है। तो यहां पर देखिएगा क्लोरीन जो है और अमोनिया जो है, इन दोनों में से किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, पीरियड टेबल में ले रहा हूं फिर सामने आप लोगों को। नाइट्रोजन को देखिएगा 15th ग्रुप में है, और क्लोरीन को देखिएगा 17th ग्रुप में है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहा इसलिए मैं क्लोरीन को नंबर वन दिया, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था इसलिए मैं नाइट्रोजन का नंबर दो दिया। इतना क्लियर आप लोगों को। उसी प्रकार यहां पर भी नंबर वन दिया, इधर भी नंबर टू दे दिया, यहां पर भी हम लोग को पता चल गया, इसलिए यहां पर भी नंबर वन दिया रहा हूं, यहाँ नंबर टू दे रहा हूँ, यहाँ नंबर वन दे रहा हूँ, यहाँ नंबर टू दे रहा हूँ। समझ में आया आप लोगों को। इस प्रकार देने के बाद मैं मेटल को काट रहा हूँ, देखिए आधा काटा हूँ, मेटल के बीच में से काटना था मुझे, मेटल के बीच में से मैं काट दिया, मेटल के बीच में से काट दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, नंबर वन, दोनों नंबर वन जो है एक तरफ आया, दोनों नंबर वन एक तरफ आया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं सिस, सिस आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोनों अलग अलग दिशा में आया तो उसे हम लोग क्या करें ट्रांस कहते हैं। इतना क्लियर आप लोगों को है ना। अगर आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ तो चार्ट में यस करके लिख दीजिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो और एक बार मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम लोग नंबर देते हैं, उतना पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा मैं बोल रहा था आप लोगों को, जैसे नंबर दिए आप, एक प्रकार के नंबर एक तरफ हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं सिस, एक प्रकार का नंबर अपोजिट साइड में आया तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो PtCl जो है उसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ये Pt है, मान के चलिएगा ये Pt है, यहाँ पर मैं Cl लिखा और ये कोना में मैं Cl लिखा, नीचे मैं लिख दिया NH3 और यहाँ पर भी NH3। अगर मैं इस प्रकार लिखा तो मान कहिएगा हमको अभी ये कौन सा है, सिस है क्या ट्रांस है, सिस या ट्रांस,
ये होगा केवल सिस। क्यों? दोनों प्रकार के देखिएगा, जब इससे बांट के देखते हैं तो हम लोग का मॉलिक्यूल जो है आराम से पता चल जा रहा है। एक तो दोनों जो मॉलिक्यूल का फार्मूला जो है, जिसका फार्मूला सेम रहता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है, वो एक साइड में अरेंज किया हुआ है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सिस, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं सिस। और जो नीचे अरेंज किया गया है उसका भी देखते हैं तो फार्मूला सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसका नंबर भी सेम है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं सिस। देखिए अभी मैं और एक चीज बता रहा हूँ, अभी तक मैं बताया था केवल चार लाइगन रखा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चार रखा, मतलब मेटल के साथ चार लाइगन जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर करके ना, उसको हम बता रहे थे। जैसे प्लैटिनम का हम लोग लिए, प्लैटिनम के साथ दो क्लोरीन और दो अमोनिया लिए तो चार हुआ प्लैटिनम के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं चार, कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए देखते हैं, देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए एक उदाहरण दिया गया आप लोगों को, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का आपको यहाँ पर उदाहरण दिया है। कोबाल्ट जब कभी भी, याद रखेंगे एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, जब कभी भी प्लैटिनम हो गया, निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, निकल हो गया और पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम निकल पैलेडियम ये तीनों को दिया और उन तीनों के साथ चार गो लाइगेंड लगा है, मान के चलिए चार गो लाइगेंड लगा है बोल के मान के चलिए, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये डी ब्लॉक एलिमेंट में, ये डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाते समय मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब आप लोगों को क्या जाना है, क्या जाना चाहिए, ये प्लैटिनम जो है कौन सा एटॉमिक नंबर में आ रहा है? ये आता है 3d8, मतलब इसको डी ब्लॉक को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, है कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +2 रहेगा। उसी प्रकार कोबाल्ट को देखेंगे तो उसका चार्ज रहेगा +3, कितना रहेगा? +3 रहेगा। +3 रहने से केवल वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखिएगा तो 27 है, इसलिए और तीन को लग गया मतलब इसका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं कहा हूं, जैसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़े हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मेरिडियम, क्रोमियम, वो सबको एक बार उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो बॉक्स में आपको देके याद करने बोला था, उसको एक बार याद कर लेंगे, वो आप लोगों के लिए एकदम कामदायक रहेगा, जहां कहीं भी आप लोग जाएंगे वहां पर काम में आएगा। देखिए तो छह कोऑर्डिनेशन नंबर का एक उदाहरण दे रहे हैं, वो कोबाल्ट का लिए है। तो यहाँ पर क्या किया ये आदमी, हम लोग केवल दिया है दो गो, यहाँ पर भी हेटेरोलाइगेंड को लिया है, हेटेरोलेप्टिक वाला में केवल ये लिया क्या है, अमोनिया को लिया है और क्लोरिन को लिया है, मतलब क्लोरिन को तीन को ले सकता है और अमोनिया को तीन को ले सकता है, नहीं तो अमोनिया चार को ले सकता है, क्लोरिन दो को ले सकता है, या क्लोरिन चार को ले सकता है, अमोनिया दो को ले सकता है, कोई भी ले सकता है, उसकी मर्जी है, कोई भी लाइगेंड ले सकता है, लेकिन दो प्रकार के लाइगेंड को लिया है और छह गो लाइगेंड को डाला है बस। ये छह गो लाइगेंड लगाते समय मैं जैसे कह रहा था आप लोगों को, अभी भी हम लोग को क्या करना है, नंबर देना है। देखिए यहाँ पर छह लाइगेंड मतलब, मैं एक बार आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, इसको बिंदु सोचिएगा, ठीक है, इसको बिंदु मान के चले तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग कहते हैं जेड एक्सिस। इतना तो आप लोगों को पता है सबको, है कि नहीं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप लोगों को इतना तो पता है। इस प्रकार जब मैं बनाया तो देखिएगा जो भी हम लोग को छह मॉलिक्यूल वाला दिया है उसमें से किसी एक तो एक्सिस को हम लोग को लेना है, किसी एक तो एक्सिस को लेना है। उदाहरण के लिए चलिए मान के चलिए हम ये एक्सिस को लिए हैं, मैं लिया हूं ये एक्सिस को, ठीक है, ये एक्सिस को मैंने लिया, मान के चलिए मैं ये एक्सिस को लिया हूं। ये एक्सिस को लेने के चलते क्या हो गया, तीन को एक तरफ गया, तीन को नीचे आ गया। इन तीनों का अभी मुझे नंबर देना है और इन तीनों को भी नंबर देना है। इस प्रकार नंबर देते समय जस्ट नंबर अपोजिट में आया, बिल्कुल उसके अपोजिट, मतलब जहां पैर रहता वहां पर सिर और जहां सिर रहता वहां पर पैर, उस प्रकार हुआ, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस।
नहीं तो उसे सीधा हम लोग क्या लिख देते हैं, सिस्ल बोल के लिख देते हैं। क्लियर आप लोगों को? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर क्लोरीन का लिया है, यहाँ पर क्लोरीन का लिया है तो क्या क्या है देखिएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन में एक विशेषता देखिएगा, दोनों अगल बगल में आया है, जिसके चलते हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, सिस कह रहे हैं। दोनों दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आया है तो उसे हम लोग कह रहे हैं ट्रांस। इतना ही केवल उसको याद करना है, इतना ही केवल। सिस और ट्रांस लिखने का तरीका आप लोगों को पता चल गया। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए चलिए, मैं यहाँ पर पीटी को लिया, प्लैटिनम को ही लिया, एक तरफ CO को लिखा, एक तरफ CO को लिखा और एक तरफ H2O को लिखा और एक तरफ OH को लिखा। देखिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं, ठीक है। और एक तरफ मैं लिखा NH3 को लिखा, अमोनिया को लिखा, ये हो गया हम लोग का मेटल प्लैटिनम। इसका अगर आप लोगों को पूछा गया, इसके लिए ये जो मॉलिक्यूल मैं दिया हूं उसके लिए आप लोगों को पूछा जा रहा है, चलो बेटा हमको बताओ सिस से की ट्रांस है। देखिए अगर CLCL NH3 दिया तो आप लोग क्या कहते हैं, जैसे अगल बगल में रहता है उसके आधार पर आप बता देंगे इसको सिस कहते हैं, उसको ट्रांस कहते हैं। लेकिन अभी मैं क्या किया, चारों को अलग कर दिया। हेटेरोलेप्टिक करना था, मैं हेटेरोलेप्टिक भी बनाया हूँ। देखिए ये हेटेरोलेप्टिक मुझे करना था, मैं भी हेटेरोलेप्टिक किया। मतलब क्या है, मैं चार गो अलग अलग लाइगेंड को लिया, इसको मैं नहीं किया, सही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसमें वाला जो है सिस्से की ट्रांस, तो फिर हम लोगों को क्या चीज को अप्लाई करना है, पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अप्लाई करना है, उसको याद रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो उदाहरण के लिए देखिएगा, यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, वो इस प्रकार लिखा रहता है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस प्रकार लिखा रहेगा, है कि नहीं, H2O को। तो O के साथ प्लैटिनम का बॉन्ड है, लेकिन जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है जिसके चलते चार्ज नहीं रहता। और अमोनिया भी न्यूट्रल है बोल के हम लोग को पता है, अमोनिया भी न्यूट्रल है बोल के हम लोग को पता चल गया। ये दोनों न्यूट्रल है तो डिवाइड करके देखिए, दोनों न्यूट्रल एक तरफ हुआ और बाकी दोनों एक तरफ हुआ, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिस हो गया। जो कोई भी अपना ऑडियो को अनम्यूट नहीं किया है वो लोग अनम्यूट करना। एक बार मैं आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह तो क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग ऑडियो और वीडियो को अनम्यूट करना, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ डाउट वगैरह